ओके चलो आज का क्लास चालू करते हैं। मेरे को लगता है जिसको आना था वो लोग आ चुका है। यहाँ पे देख, तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, छोटा वी बाई बड़ा वी इज इक्वल टू रो एस बाई रो एल। अब यहाँ पे तुम लोग देखो सब बच्चा, छोटा वी बाई बड़ा वी इज इक्वल टू रो एस बाई रो एल। तो भैया आप लोग को ये चीज बताए थे क्या कि पानी के अंदर अगर बॉडी भैया इतना सा डूबा हुआ है तो दिस इज योर छोटा वी, ये क्या है छोटा वी, और पूरे बॉडी का जो वॉल्यूम है वो क्या आ गया आपका बड़ा वी, ये हो गया छोटा वी एंड दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज बड़ा वी। अब यहाँ पे देखो फिर आगे क्या बताता है, यहाँ पे लिखता है रो एस क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जो बॉडी का डेंसिटी उसको हम लोग डेंसिटी ऑफ क्या बुला लिए, रो एस बुला लिए, और यहाँ पे आपका पानी का जो आ गया वो क्या आ गया रो एल आ गया, ये आ गया रो एस एंड दिस इज रो एल। तो ये फॉर्मूला बहुत काम देगा तुम लोग को, ये हम लोग करेंगे आगे जाके, ये चीज ध्यान रखना ये कैसे डिराइव किए थे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये याद कर लेना, कोई भी बॉडी का जो अपेरेंट वेट होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। अगर अपेरेंट वेट जीरो के बराबर हो गया तो डब्ल्यू जो है वो एफ बी के बराबर आ जाएगा। तो डब्ल्यू जो है वेट ऑफ द बॉडी, ये हम लोग निकाले थे क्या होता है एम इंटू जी, और अपथ्रस्ट क्या होता है वी डी जी, लेकिन ये वी छोटा वी होता है क्योंकि भैया ये वॉल्यूम इमर्ज्ड इन वाटर वाला है, और mg को हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम के टर्म्स में। कैसे करें, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो भैया देखिए यहाँ पे ये v जो है बड़ा v है और ये डेंसिटी जो है डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, और यहाँ g ये छोटा v, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ये g, भैया g और g कट गया, क्या आ गया छोटा v बाई बड़ा v इज इक्वल्स टू भैया ds बाई dl। देख और इजी वे में हम तुम लोग का निकाल के दिखा दिए, तो वही चीज है सेम, बस यहाँ पे हम W के जगह क्या लिखे M into G लिखे। क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, हमेशा ये चीज मेंशन कर देना W FB कहाँ से आया, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन W हमेशा FB के बराबर या उससे क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, तभी भैया ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करेगा। अगर W FB से ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट भैया पानी में क्या कर जाएगा, डूब जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। कोई भी पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट जब कब तैरता है, एक तो तुम लोग को पता है जब उसका डेंसिटी पानी से के डेंसिटी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम है या बराबर है, दोनों केस में क्या हो जाएगा भैया, पानी में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तैरेगा। तो ये बात तुम लोग को भी पता है, यहाँ पे हम यही बात बता रहे हैं। तो हम तुम लोग को कुछ गिव रीजनिंग का क्वेश्चंस बताएंगे आज, जिसका आंसर तुम लोग को अपने से लिखना है बट पॉइंट के साथ। तो हम तुमको यहाँ मार्किंग करवा देंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसको भूलना मत। जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कांटी का टुकड़ा भैया पानी में डूब जाता है, बड़ा सा जहाज तैरता है, तो इसको दो पॉइंट पे एक्सप्लेन करना है, जिसमें से एक तुमको पता है कि भैया कांटी का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज्यादा होता है जिसके कारण से वो डूब जाता है, और बड़े सारे जहाज का एवरेज डेंसिटी बात करेंगे, क्या करेंगे एवरेज डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर द सिंक शिप फ्लोट्स ऑन वाटर। तो और एक क्या बात है वो देखो, अभी यहाँ पे अब हम बताएंगे क्योंकि अब थ्रस्ट पढ़ा चुके हैं, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से तुमको ये बताना पड़ेगा कि भैया जब जो जो अभी बताया था हम लोग को कृष्णा, कि जब भैया पानी में ऑब्जेक्ट को डुबाएंगे तो पानी उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जितना ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया है, उस वॉल्यूम का अगर हम क्या निकाल लेंगे, वेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो जितना उसका वेट आ रहा है पानी, उतना ही उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। भैया वेट कैसे फोर्स के बराबर हो गया, तेरा वेट अगर 60 न्यूटन है तो तुम कितना फोर्स धरती पे लगा रहा है, जितना तेरा वेट है। तो ये चीज ध्यान रखना, वेट और फोर्स जो होता है वो बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे यही चीज बताना चाह रहे, जितना वाटर डिस्प्लेस करता है भैया पानी, उसको पे उतना ही क्या करता है, अपथ्रस्ट लगाता है, और यहाँ पे पानी जो है, इसलिए जहाज जो है वो पानी पे क्या करता है, तैरता है। तो चलो अब हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना तुम लोग सब। इफ वी प्लेस एन आयरन नेल ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ठीक है भैया, इट सिंक्स, सब जानते हैं कि वो क्या कर जाएगा, डूब जाएगा। दिस इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आयरन, तो डेंसिटी वाला पॉइंट तो तुमको बता ही दिया, अंडरलाइन कर लो, दिस इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, so the weight of nail is more than upthrust of water on it। तो ये चीज ध्यान रखना, वेट ऑफ नेल ज्यादा हो जाता है अपथ्रस्ट से, जिसके देख तो तुमको बोल ही रहे बार बार, डब्ल्यू एफ बी से अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है। डब्ल्यू एफ बी के बराबर या उससे कम होगा तो दोनों केस में ऑब्जेक्ट जो है पानी में क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो इस चीज को भूलना नहीं है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ऑन दी अदर हैंड शिप्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ आयरन, दे डू नॉट सिंक, ठीक है। तो शिप जो होता है वो भी आयरन, देखो एक यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट्री वाला बात बोलता है, कांटी भी लोहे का बना हुआ है, शिप भी लोहे का बना हुआ है, लेकिन शिप तैर रहा है, कांटी डूब जा रहा है।
Sheep are also made up of iron, but they do not sink. वो डूबता नहीं है. तो क्यों नहीं डूबता है? This is because the sheep is hollow. भैया sheep अंदर से hollow होता है. Hollow होने से उसमें air भर जाता है. तुमको हम बताते हैं ये चीज, जैसे हम लोग भी अगर स्विमिंग पूल में तैरना चाहते हैं तो ट्रेनर तुमको पहला बात यही सिखाएगा कि आप अपने लंग्स में हवा भरिए. लंग्स में हवा भरने से क्या हो जाता है, तुम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा है, हम लोग के बॉडी में, हम लोग के लंग्स में एयर सैक होता है जिसमें हवा भर जाता है. दिस इज बिकॉज द sheep इज hollow एंड the empty स्पेस इन इट contains एयर which make its volume large, जिसके कारण से उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, बताओ जल्दी से. डेंसिटी भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बताओ. घट जाएगा भैया. घट जाएगा, ठीक है, वेरी गुड भैया. वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगा, ये फैक्टर ध्यान रखना है तुम लोगों को. दिस इज बिकॉज द शिप इज हॉलो एंड द एम्प्टी स्पेस इन इट कंटेन्स एयर विच मेक्स इट्स वॉल्यूम लार्ज. वॉल्यूम लार्ज हो गया एंड एवरेज डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, लेस देन दैट ऑफ पानी. पानी के डेंसिटी से क्या हो गया, घट गया. तो तुमको ये बताना है कि भैया सीप जो होता है वो हॉलो होता है, ज्यादातर एम्प्टी स्पेस होता है जिसमें एयर भरा रहता है, जिसके कारण से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है एंड डेंसिटी घट जाता है पानी से भी कम. देयरफॉर इवन विद अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सीप सबमर्ज्ड इन वाटर द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सम. अब अंडरलाइन करो इसको. The weight of water displaced by the submerged part of the sieve, ठीक है, becomes equal to total weight of the sieve and therefore it floats. और इसी कारण से क्या हो जाता है, वो float. भैया यहाँ पे यही बात बताया कि देखिए पूरा सीप नहीं पानी के अंदर होता है, ये इतना सा ही कुछ रहता है, ठीक है. तो इतना ही जो पानी वो डिस्प्लेस कर रहा है, जितना ही पानी जो डिस्प्लेस कर रहा है, पानी उस पर उतना ही क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है. और वही फोर्स के कारण भैया पानी पे जहाज क्या हो जाता है, तैर जाता है. तो ये चीज ध्यान रखना. अब हम इसमें एक दो तुमको जनरल नॉलेज वाला बात बताते हैं जो तुम लोग को ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है. तुमको बताते हैं यहाँ पे, तुम लोग को सिप में जो होता है एक ऐसे करके मार्किंग रहता है, लाइन्स होता है यहाँ पे, ठीक है, स्केल रहता है. यहाँ पे एक लाइन होता है जो डेंजर लाइन जिसको बुलाते हैं, प्लिम्सॉल लाइन बुलाते हैं, तुम्हारे बुक में भी है, ठीक है. प्लिम्सॉल लाइन के ऊपर अगर पानी जा रहा है तो हमको क्या करना पड़ता है, अनलोड करना पड़ता है. सिप को क्या करना पड़ता है कि सिप पे वजन ज्यादा हो रहा है, आप कुछ सामान उससे उतारिए. तुम लोग जानता है बहुत बड़ा बड़ा जहाज होता है जो हम लोग के इमेजिनेशन से भी बाहर है, क्योंकि हम लोग तो भैया इंडिया में रह रहे, कोई ऐसा जगह नहीं जाते जहाँ से सिप पे से जाना पड़ता है, ठीक है. तो क्रूज लाइनर, टाइटेनिक, सबका जो भी मूवी में देख रहे हैं वो सोच भी नहीं सकते सामने में इतना बड़ा होगा. तो ये सब सिप जो होता है, इतना बड़ा बड़ा जहाज, कार्गो सिप देख लेगा तो कार्गो जो होता है, कार्गो सिप बड़ा बड़ा कंटेनर उस पे चढ़ा के एक दूसरी जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है. और फिर ऑयल टैंकर्स होता है बहुत सारा, तो अलग अलग सिप्स होता है. तो वो सिप का वजन बहुत ज्यादा होता है लेकिन फिर भी पानी में वो भैया तैर रहा है. क्यों? क्योंकि पानी को जितना वो डिस्प्लेस करता है भैया, जितना पार्ट ऑफ पानी को वो डिस्प्लेस करता है, पानी उतना ही उस पे फोर्स लगाता है. अब पानी जो है ऐसा नहीं होता पूरा डुबा देते हम जहाज को, ये होता है प्लिम्सॉल लाइन. हाँ खुलवा लो, वो उस पे टेप लगा देना, करंट लग जाएगा नहीं तो, ठीक है. तो ये चीज ध्यान रखना, अगर प्लिम्सॉल लाइन जो होता है, प्लिम्सॉल लाइन के ऊपर जाएगा तो तुमको सीप को क्या करना पड़ेगा, अनलोड करना पड़ेगा, सीधा सा बात है. तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, प्लिम्सॉल लाइन होता है, अभी आगे जाके बताएगा. अब इसी के बाद एक क्वेश्चन और हम तुमको बताते हैं, ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ भी है. एक क्वेश्चन क्या है, तुम लोग मेरे को सोच के बताना तुम लोग के लिए, और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. यहाँ पे तुम थर्ड वाला यहाँ देख भी सकता वो पॉइंट है. मेरा क्वेश्चन तुम लोग से ये है, ये एक जहाज है रिवर वाटर में, और ये एक जहाज है सी वाटर में. रिवर वाटर, सी वाटर. मेरा क्वेश्चन तुम लोग से है, ये बताओ किसमें जहाज ज्यादा डूबा हुआ रहेगा, रिवर वाटर में या सी वाटर में? रिवर वाटर. रिवर वाटर में. वेरी गुड, ठीक है. तो तुम लोग बोला रिवर वाटर में, इसका रीजन क्या हो सकता है बताओ? रिवर वाटर में सॉल्ट होता है. सॉल्ट होता है. तो भैया डेंसिटी रीजन है, ठीक है. अगर तुमको रीजन बताना था तो डेंसिटी बताती. अब हम पूछेंगे कि क्यों, तब तुम बताना, क्योंकि भैया सी वाटर में नमक रहता है, ठीक. तो ये चीज ध्यान रखना, रिवर वाटर हैज मोर डेंसिटी, लेस डेंसिटी देन सी वाटर. यहाँ पे डेंसिटी सी वाटर का ज्यादा रहता है भैया, तो सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, ये बात आप लोग ध्यान रखना. सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा है,
क्यों ज्यादा है? बिकॉज इट कंटेन डिजोल्व सॉल्ट. क्या लिख के आएगा तुम लोग? बिकॉज इट कंटेन डिजोल्व सॉल्ट. सॉल्ट लिख के भी नहीं, उसमें भी नमक घुला हुआ रहता है. हम लोग जो नमक खाते हैं वही समुद्र से ही आता है. तो इस चीज को ध्यान रखना, सी वाटर में डिजोल्व सॉल्ट रहता है, देयरफॉर इसका डेंसिटी सी वाटर का रिवर वाटर से ज्यादा होता है. तो अब इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए भैया इसमें भैया देखिए कम डुबाए हम ऑब्जेक्ट को, लेकिन इसमें क्या करें, ज्यादा डुबा रखे. इसमें रिवर वाटर में क्या डुबा रखे, ज्यादा. क्योंकि भैया जितना यहाँ पे वाटर डिस्प्लेस ज्यादा है, यहाँ पे वाटर डिस्प्लेस ज्यादा होगा और पानी तब जाके इस पे क्या कर पाएगा, उसको बैलेंस कर पाएगा उतना फोर्स लगा के. तो इस चीज को ध्यान रखना. तो यहाँ पे यही बात बताया और कुछ नहीं. तो स्टार्ट करते हैं, जो अभी हम तुमको टॉपिक बताया वही चीज है. सेकंड पॉइंट पे सुनो, A loaded ship is so much more while an unloaded ship. तो सीधा सा बात है. एक तो भैया फैक्टर वेट का है. अगर मान लो हम चढ़े हुए वेइंग मशीन पे, मेरा वेट आ रहा है 60 kg, ठीक है, अभी लॉकडाउन में बढ़ गया है तो वेट 60 kg आ रहा है. तो अब यहाँ पे देखो क्या बता रहा है. अब हम क्या करते हैं, 10 kg का बैग अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो मेरा वेट अब कितना आ जाएगा भैया, 70 kg आ जाएगा. तो यहाँ पे यही बता रहे हैं हम तेरे लोग को कि अनलोडेड सी मतलब मान लीजिए ऐसे एक जहाज है, इसमें हम बहुत सारा कार्गो रख दिए, ठीक है, बहुत सारा क्या कर दिए, कार्गो. तो सिप का वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ भैया. तो पानी में ज्यादा डूबेगा कि नहीं डूबेगा? वजन बढ़ेगा. तो वजन किस तरफ लग रहा भैया? नीचे की तरफ लगेगा हमेशा. वजन विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. वेट विल ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. व्हेन कार्गो इज लोडेड ऑन ए सेलिंग सिप, सुनना ध्यान से, जब भैया उस पे चढ़ाया जाता है कार्गो, इट्स वेट इंक्रीजेस, वेट बढ़ जाता है, तो वो ज्यादा सिंक करेगा टिल द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस. तो भैया कब तक डूबा रहेगा? जब तक वजन तुम चढ़ा रखा है. बिकम्स, अब देखो क्या बोलता है, लिखता है यहाँ पे टिल द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय इट्स मच पार्ट बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ लोडेड सी. अंडरलाइन करो इसको, ठीक है. तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है, इफ द कार्गो इज अनलोडेड. अब जब कार्गो को अनलोड करेंगे तो बताओ जहाज जो है पानी से ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो इफ द कार्गो इज अनलोडेड द सिप विल राइज इन वॉटर. ठीक है, ध्यान रखना, वो राइज करेगा. फिल द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बैलेंसेज द वेट ऑफ अनलोडेड सिप. ठीक है, और वो उतना ही ऊपर आएगा जितना सिप को वो बैलेंस कर सके. ठीक है, जितना वो उसको क्या कर सके, बैलेंस कर सके, वो उतना ही ऊपर आएगा. तो ये चीज भी ध्यान रखना तुम लोग. तो यहाँ पे सीधा सा एकदम लॉजिक है कि वजन बढ़ाए तो भैया वेट बढ़ा, तो वेट क्या होगा, उसको नीचे धकेलेगा. नीचे धकेलेगा तो पानी में तैरने के लिए क्या होगा, अपथ्रस्ट भी बढ़ेगा. कितना बढ़ जाएगा, मान लीजिए भैया इस बार इतना ज्यादा वजन, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, जैसे सामान रख दिए इसके ऊपर, तो वजन भी क्या हो गया भैया, बढ़ गया. वजन बढ़ गया तो अपथ्रस्ट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा लगेगा. तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है. फिर तीसरा पॉइंट देखो, अ सिप बिगिंस टू सबमर्ज मोर एज इट सेल्स फ्रॉम सी वाटर टू रिवर वाटर. देख, हम तुम लोग को यही चीज पूछे थे कि सी वाटर से रिवर वाटर की तरफ जाएंगे तो भैया जहाज आपका मान लीजिए अभी इतना ही डूबा हुआ था, अब इसमें क्या होगा, ज्यादा डूब जाएगा. तो इसका कारण क्या है, लिखता क्या, ये क्वेश्चन आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. यहाँ पे इसका रीजन सुन, द वाटर ऑफ रिवर इज ऑफ लो डेंसिटी देन इट ऑफ सी. अंडरलाइन कर लो, पहला रीजन तो यही हो गया, मेंशन यही करना है. अब अगर हम तुमसे पूछेंगे व्हाई द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन रिवर वाटर, तब तुम बताना, बिकॉज इट कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट. क्वेश्चन ठीक से क्लियर कर लिया कर तुम लोग भी. द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ डिफरेंट सी इज ऑल्सो डिफरेंट. अब बोलता अलग अलग सी का भी डेंसिटी अलग है, ठीक है. देयरफॉर व्हेन अ शिप सेल्स फ्रॉम सी ऑफ हायर वाटर डेंसिटी टू अ सी ऑफ लोअर वाटर डेंसिटी, फ्रॉम सी वॉटर टू रिवर वॉटर, जो भी आप बोलो भैया, जैसे आप तैराओ, इट सिंक्स फर्दर, वो और डूबेगा. तो तुम लोग देखो, अगर हम सी वॉटर से रिवर वॉटर की तरफ इसको ले जा रहे हैं तो तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी इसमें इतना सा डूबा हुआ है, इसमें ज्यादा डूब जाएगा. तो सीधा सा बात है, डेंसिटी का कारण है. यहाँ पे क्या है, डेंसिटी. तुम लोग बताओ तो डेंसिटी का और अपथ्रस्ट का क्या रिलेशन है? तुम लोग के साथ यही प्रॉब्लम है, रिलेट नहीं करता है. हम लोग पढ़े थे अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वीडीजी, तो डी यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड था. तो देख सीधा सा बात है, अपथ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. अपथ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो भैया यहाँ पे देखिए सीधा सा बात यही है कि डेंसिटी बढ़ेगा तो अपथ्रस्ट भी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो अपथ्रस्ट भी बढ़ेगा. तो सी वाटर ज्यादा अपथ्रस्ट लगाएगा कंपैरेटिव टू रिवर वाटर, इसलिए भैया सी वाटर में वो कम डूबा हुआ है, इसलिए वो सी वाटर में क्या है, कम डूबा हुआ है. क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ने पे आपका अपथ्रस्ट भी बढ़ जाता है.
द रीजन इज दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अंडरलाइन करो इसको, टू बैलेंस द वेट ऑफ सीप ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्लेस्ड इन वाटर ऑफ लोअर डेंसिटी. तो देखो यहाँ पे क्या बोला कि सीप को अगर बैलेंस करना है तो ज्यादा पानी को हमको डिस्प्लेस कराना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उतना ही पानी उस पर क्या लगा सकेगा, अपथ्रस्ट लगा सकेगा. ठीक है, क्योंकि अपथ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या बता दिया, वी. जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड करेगा अपथ्रस्ट उतना ही लगेगा. तो इस चीज ध्यान रखना. लेकिन किस वाटर का बात कर रहा है, रिवर वाटर का बात कर रहा है. तो यहाँ पे ये सब जो पॉइंट्स अभी अंडरलाइन करवाए ये चीज मार्क कर लेना अपने बुक में, ये इंपॉर्टेंट है. आ गया देख ले प्लिम्सोल लाइन. इस शेप हैज अ व्हाइट लाइन पेंटेड ऑन इट साइड नोन एज प्लिम्सोल लाइन. दिस लाइन अंडरलाइन करो. दिस लाइन इंडिकेट द सेफ लिमिट फॉर लोडिंग द शिप इन वाटर जिसका डेंसिटी दिया हुआ 10^10. ये क्या बताता है, सेफ लिमिट बताता है. ये क्या बताता है, सेफ लिमिट. तो ये ध्यान रखना. Plimsoll line start touching the water level so that when it sails in sea water of density more than 10^3. अब बताओ यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है अगर जहाज 10^3 के डेंसिटी से ज्यादा वाले में अगर जा रहा है तो बताओ क्या होगा, ज्यादा डूबेगा जहाज की कम डूबेगा, डेंसिटी बढ़ रहा है तो क्या होगा पानी का, कम डूबेगा. कम डूबेगा, वेरी गुड. तो भैया उसमें क्या होगा, कम डूबेगा. तो ये चीज ध्यान रखना. The part of it below the plimsoll line remains submerged in water. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखता है. एंड अनलोडेड सीप, एक और बात बता रहा है यहाँ पे कि अनलोडेड सीप को कभी भी यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ऐसे नहीं छोड़ सकते. इट्स फिल्ड विद सैंड एट इट्स बॉटम. भैया अगर मान लीजिए सीप को आप अनलोड किए, तुम लोग को एक बात अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जहाज में हम ऐसे करके क्या कर रहे हैं, सामान रख दे रहे हैं. ठीक है, तो ये जहाज डूब जा रहा है. ठीक है, डूब नहीं जा रहा एक्चुअली, पानी के अंदर और ज्यादा चला जा रहा है. जैसे हटाएंगे तो ये वापिस से ऊपर आ जाएगा, सामान हटाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा. तो समझ पार्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. समझ पार्ट जो होगा वो कम हो जाएगा. जब ये ऊपर गया समझ पार्ट क्या हो गया, कम. तो हो सकता है कि पानी से बहुत कम ही ये ऊपर है. ठीक है, ऊपर मतलब पानी जो है बहुत ही इसके नीचे बहुत ही एकदम लो यहाँ पे आ रखा है, बस इसको टच कर रहा है. अगर हवा चलेगा तो हो सकता है ये सीप पलट जाए. तो इसीलिए बोलता है कि सीप में अगर ऐसा केस होता है तो उसमें सैंड डाल दिया जाता है. ठीक है, ताकि उसका वॉल्यूम जो है, लिखता है अनलोडेड सीप फ्लोट्स विद इट्स वेरी स्मॉल वॉल्यूम इनसाइड वाटर. ठीक है, उसका बहुत कम वॉल्यूम पानी के अंदर है. एज अ रिजल्ट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हायर. देखो क्या बोला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो उसका बैलेंस करने वाला पॉइंट है वो पानी से ऊपर आ गया भैया. एंड इट्स इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, यही चीज बताना है हमको. तुमको सुनो, तुम लोग को बताए थे हम स्कॉर्पियो गाड़ी के बारे में और हम तुमको बताए थे रेसिंग कार के बारे में. स्कॉर्पियो गाड़ी जो होता है उसका बेस क्लियरेंस क्या होता है, जमीन से ये ऊंचा रहता है. और जो तुम्हारा स्पोर्ट्स कार होता है उसका बेस क्लियरेंस बहुत लो रहता है. ठीक है, जमीन से सटा हुआ. तो इसको बैलेंस अच्छा मिलता है, इसको बैलेंस क्या होता है, अच्छा मिलता है. लेकिन ये सब भैया जो बड़ा बड़ा गाड़ी है, ठीक है, जो बड़ा बड़ा गाड़ी है इसका ऊपर रहता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जमीन से ऊपर रहता है. तो जिसके कारण क्या होता है, ये गाड़ी सब पलट जाता है. ठीक है, बड़ा गाड़ी जो होता है वो पलट जाता है मोड़ रोड पे. अगर कस के टर्निंग ले लेंगे हाई स्पीड पे तो गाड़ी पलट जाएगा. लेकिन तुम लोग देखा होगा वहां पे F1 ट्रैक में कितना तेज गाड़ी घूमता है, साइड टर्न में भी तब भी गाड़ी नहीं पलटता है. क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के क्या है, क्लोज. जितना ऊपर जाएंगे भैया बॉडी उतना डिसबैलेंस होते जाएगा. तो यहाँ पे वही बता रहा है, क्या लिखता है सुनना ध्यान से. एज अ रिजल्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हायर. जब सीप को अनलोड कर दिए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर भाग गया. ठीक है, सीप को अनलोड किया गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ हो गया, सीप का ऊपर चला गया. लेकिन जब थोड़ा जब तुम्हारा लोडेड था तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे करके हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा नीचे लाई कर रहा था पानी के पास, तो ये बैलेंस था. लेकिन जब ये ऊपर चला गया तो ये अनस्टेबल हो जाता है, इक्विलिब्रियम इसका नहीं रहता है मेंटेन, ये अनस्टेबल होता है जिसके कारण से ये क्या हो सकता है, पलट सकता है. तो ये लाइन लिखना पड़ेगा तुम लोग को. एज अ रिजल्ट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हायर. सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है. एंड इट्स इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल. ठीक है, इक्विलिब्रियम वो पोजीशन हुआ जहाँ पे वो उसको क्या रखता है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, सीधा रहता है. देयर इज अ डेंजर दैट इट मे गेट डाउन ब्लोन ओवर ऑन साइड बाय स्ट्रॉन्ग विंड. हवा अगर कस के चलेगा तो वो क्या हो सकता है, मतलब पलट सकता है. देयरफॉर अनलोड सीप इज फिल्ड विद सैंड कॉल्ड बैलास्ट एट इट्स बॉटम. उसके नीचे सैंड भर दिया जाता है. ठीक है, नीचे एकदम दिस लोअर्स इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसके कारण से सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापिस से क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है और ये बैलेंस रहता है, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाता है, स्टेबल हो जाता है और ये सीप क्या रहता है, बैलेंस.
ये चीज भी ध्यान रखना। चारों क्वेश्चन रिलेटेड टू सीप था, क्या पहले कांटी जो है भैया पानी में डूब जाता है बट एक सीप क्या होता है तैरता है, तो इसका रीजन बताए तुम लोग को, दो रीजन बताए, एक तो तुम्हारा अपथ्रस्ट के बेसिस पे बताना है तुम लोग को, एक एवरेज डेंसिटी के बेसिस पे बताना है। दूसरा चीज क्या बताए, रिवर वाटर से जैसे सी वाटर की तरफ जाते हैं तो भैया क्या होता है पानी में ये कम डूबा रहता है और ये वाला जो है वो क्या होता है ज्यादा डूबा हुआ रहता है। फिर क्या बताए कि प्लिम्सोल लाइन क्या होता है, और लास्ट क्या बताए कि सिप को कभी भी अगर अनलोड करना पड़े तो उसको लास्ट में क्या किया जाता है, बालू भर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे और पानी के क्लोज रहे, नहीं तो भैया वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, वो डिस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण सिप क्या हो सकता है पलट सकता है। तो यहाँ पे यही बात बताया है। अब आता है फ्लोटेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो सब चीज वही है, हम लोग को भी अगर पानी में तैरना है तो हम लोग को पहले अपने अंदर हवा भरना पड़ेगा, हवा भरेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, डेंसिटी घटेगा तो पानी के डेंसिटी से कम हो जाएंगे और भैया पानी में हम लोग तैर लेंगे। तो यहाँ पे भी वही बताएगा, द एवरेज डेंसिटी ऑफ ह्यूमन, फिर से एवरेज डेंसिटी बता रहा हम लोग का, डिपेंड्स ऑन प्रोपोर्शनल ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स लाइक बोन ब्लड मसल्स एंड फैट सच एज ईच कंस्टिट्यूएंट हैज डिफरेंट डेंसिटी। Further, it also depend on the amount of air in our lungs. आगे यहाँ पे कितना हमारे lungs में air है उस पर भी depend करता है। The average density of the body when empty lungs है, देख empty lungs है तो कितना है 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बता रहा है, और पानी का डेंसिटी होता है 1 ग्राम, तो ये ज्यादा है तो ऑब्वियस सा बात हम लोग डूब जाएंगे। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं लंग्स में अपना हवा भर लेते हैं तो डेंसिटी हम लोग का बॉडी का कम हो जाता है। A good swimmer can float on water like a floating object. With its lung filled with air and nose and mouth projecting just above the earth. हम लोग को ये चीज पता होना चाहिए तुम लोग को कि दो चीज होता है, एक होता है डाइविंग, एक होता है स्विमिंग। स्विमिंग करते हुए हम लोग को अपना नोज और हेड जो है माथा के ऊपर मतलब पानी के ऊपर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सांस ले सके और एयर हम लोग लंग्स में एयर भर सके इस कारण से। द वेट ऑफ वाटर, और जो डाइवर होता है, अब तुम बोलोगे भैया डाइवर लोग कैसे करता है, तो वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है, उनको ऑक्सीजन अंदर ही मिलते रहता है, तो उसका अलग चीज हो गया वो पूरा। द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय हिम इज देन नियरली इक्वल टू इट्स ओन वेट। लास्ट लाइन अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से यही लाइन लिखना है। सबसे पहले अगर तुमसे ये क्वेश्चन आता है तो तुमको बता देना है कि द एवरेज डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बींग जो होता है विदाउट एयर इन हिज लंग्स वो होता है 1.07 डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड जब हवा भर लेते हैं लंग्स में तो कितना हो जाता है 1 ग्राम हो जाता है, जो कि पानी के डेंसिटी के बराबर है, जिस कारण से हम लोग पानी में तैर पाते हैं। फिर द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय हिम इज देन नियरली इक्वल टू इट्स ओन वेट। क्यों? क्योंकि भैया दोनों का डेंसिटी बराबर की हो आप, बॉडी का भी और वाटर का भी एक एक, ठीक है, तो वही बोल रहा है इसीलिए नियरली इक्वल टू इट्स ओन वेट, नियरली इक्वल टू इट्स ओन वेट। और आराम से पानी में हम लोग हल्का एफर्ट लगा के, मतलब तुम लोग को डाइव करना अगर आता होगा तो वो भी ठीक है, नहीं तो तुमको पता होगा तुम्हारे को लेग्स और हैंड दोनों मूव करना पड़ता है ताकि हम लोग स्विम कर सके। फिर यहाँ पे देखो क्या बोलता है, फिर से वही क्वेश्चन आया, बताओ इट इज इजियर फॉर ए मैन टू स्विम इन सी वाटर देन इन फ्रेश वाटर, वाई बताओ तुम लोग, नदी के पानी में तैरना से ज्यादा इजी सी डेंसिटी, ठीक है, तो तुम लोग सबको पता है कि डेंसिटी वाटर जो होता है भैया ज्यादा होता है। तुमको पता नहीं होगा तो एक लेक के बारे में तुम लोग जानता होगा, नाम सुना होगा डेड सी के बारे में, डेड सी का नाम डेड सी इसलिए पड़ा है, हाँ देख इन दी डेड सी, ऐसा नहीं वहां आदमी लोग जाके मर जाता है, वहां पे अगर हम किसी को धकेल भी देंगे वो आराम से तैरेगा, ठीक है, अगर उसको तैरना नहीं भी आता है तो। क्यों? क्योंकि डेड सी का डेंसिटी है 1.16 और हम लोग का नॉर्मल बॉडी का डेंसिटी होता है 1.07, तो तुम देखो तब भी कम है, तो यहाँ पे तुम देख रहा है कितना यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो डेड सी का डेंसिटी ज्यादा है। अगर कोई आदमी को तैरना नहीं भी आता है वो पानी में क्या करेगा, आराम से तैरेगा, क्योंकि वहां का डेंसिटी भैया क्या है बहुत ही ज्यादा है, 1.16 देख ले, और हम लोग का नॉर्मल बॉडी डेंसिटी 1.07 होता है, तो वही चीज बताया है। तो यहाँ पे यही बताता है कि हम लोग सी वाटर में तैरना ज्यादा आसान इसलिए बिकॉज इट हैज मोर डेंसिटी देन रिवर वाटर, खत्म। अब आता है फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत इजी सा चीज, तुमको बताते तुम लोग अगर देखा होगा एक मूवी था गजनी अटैक, देखा है कोई बच्चा गजनी अटैक, गजनी नाम था ना सबमरीन का, क्या नाम सबमरीन का नाम तो गजनी था, अब मूवी का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जो भी है तुमको बताते उसके बारे में। सबमरीन जो होता है कोई भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो वॉरफेयर में मेनली यूज होता है, या तुम्हारा सर्वेलेंस के लिए यूज होता है, या फिर तुम्हारा रिसर्च के लिए यूज होता है। सबमरीन जो होता है मेनली ऐसा बनाया गया है कि एक बार पानी के अंदर जाए तो 6-6 महीना 1-1 साल तक पानी के अंदर रह सकता है। अब भैया ऐसे कैसे पॉसिबल है,
इस पे रहता है न्यूक्लियर रिएक्टर। अब जो मॉडर्न सबमरीन बनता है उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहता है जो कि क्या करता है, अंदर ही पूरा बिजली प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ वहां पे क्या होता है भैया, वहां पे एयर पंप लगा रहता है। एयर क्या काम का है भैया, पंप। तो एयर पंप ये काम करता है, जैसे हम तुमको ब्लास्ट टैंक बताए थे, इसमें भी ब्लास्ट टैंक रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लास्ट टैंक? ब्लास्ट टैंक एक ऐसा टैंक है जिसमें हम लोग एयर भरते हैं या पानी भरा जाता है। तुम लोग मेरे को बताओ, दो चीज है, अगर एयर भरेंगे तो भारी हो जाएगा कि हल्का हो जाएगा? हमको बता, यहाँ पे एक टैंक है ए, एक टैंक है बी, कौन ज्यादा भारी है? इसमें हम पानी भर दिए और इसमें हम एयर भर दिए, पानी। वेरी गुड, तो बी भारी है, सीधा सा बात है, बी भारी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर सबमरीन के ब्लास्ट टैंक में पानी भर देंगे तो वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। उनको पता है हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में क्या डिफरेंस होता है? हेलीकॉप्टर जो है, ठीक है, अपाचे जो है बहुत अच्छा फाइटर हेलीकॉप्टर होता है, वो कहीं पे भी रुक सकता है हवा में, ठीक है। तुमको एक चिड़िया का नाम बताओ जो हवा में कहीं भी रुक सकता है। हमिंग बर्ड, मैना, मैना। तुम कौवा मैना उड़ कर खाली बैठ के, यहाँ पे देख, हमिंग बर्ड नाम है, वो हवा में कहीं पे भी रुक सकता है, हेलीकॉप्टर भी कहीं पे भी हवा पे रुक सकता है, ठीक है, ये बता रहे। एरोप्लेन कहीं रुकता नहीं, वो चलते रहता है, ये चीज ध्यान रखना। सबमरीन भी जो है पानी में क्या करता है, ऊपर नीचे कर सकता है, सबमरीन भी पानी में ऊपर नीचे कर सकता है। तो ये कैसे कर रहा है भैया, तो ये वही चीज बताए, पानी भर लेता है ब्लास्ट टैंक में तो भारी हो जाता है भैया, वो नीचे चला जाता है, जब इसको ऊपर आना रहता है तो यही ब्लास्ट टैंक में एयर भर लेता है। तुम लोग देखा होगा मोटरसाइकिल में एयर भरा जाता है, वहां पे एक मशीन होता है पंप मशीन, वैसा ही मशीन जो होता है, मतलब लेकिन उससे एडवांस मशीन है, वो तुम्हारा सबमरीन में लगा रहता है, वो एयर बनाता है जिसके कारण से ये पानी में ऊपर जा सकता है। इसी टैंक में अगर पानी भर देंगे तो भारी हो जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा भैया, नीचे चला जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, यही चीज इसमें अभी बताने वाला है तुमको। चलो देखो, फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन। अ सबमरीन इज अ फिश सेफ वाटर टाइट बोट प्रोवाइडेड विद सेवरल ब्लास्ट ऑफ फ्लोटेशन टैंक्स इन फ्रंट एंड रियर पार्ट। देख ले यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा, आगे पीछे दोनों जगह है। लिखता है यहाँ पे, इट इज प्रोवाइडेड विद पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप अलग चीज है पूरा, ठीक है, पेरिस्कोप इसलिए लगा रहता है क्योंकि लाइट जब पढ़ाएंगे तुम लोग को, लाइट चैप्टर, ठीक है, तब तुम लोग को बताएंगे पेरिस्कोप के बारे में। ऐसे अभी देख लो, तुम लोग क्लास 8 में भी पढ़ा है, पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लोग अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, या नीचे से हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर में कोई जहाज है कि नहीं, तो यही है पेरिस्कोप और कुछ नहीं है। तो देख यहाँ पे लिखता है, अबव द वाटर सरफेस इवन व्हेन द सबमरीन इज वेल इनसाइड द वाटर, अ सबमरीन कैन बी मेड टू डाइव इनटू वाटर और राइज अपॉन द सरफेस ऑफ वाटर एज व्हेन देयर इज व्हेन डिजायर्ड। कैप्टन जब चाहेगा ऊपर नीचे कराना तब वो करवा सकता है। If a submarine is to dive, its ब्लास्ट टैंक्स are filled with water. अगर इसको डुबाना है तो ब्लास्ट टैंक में क्या भर जाता है, water. So the average density of submarines becomes greater than the density of sea water and submarine dives into water. If submarine has to rise, water from ब्लास्ट टैंक is forced out in the sea by allowing the compressed air to enter the tank. देखो क्या किया गया, एयर भर दिया गया, क्या भर दिया गया, एयर। वो कंप्रेस एयर कहाँ से आया, तो इसमें जनरेटर लगा रहता है जो कि ये काम करता है, एयर बनाता है और उसमें भर देता है। अब क्या लिखता है, जिसके कारण से उसका डेंसिटी लेस देन सी वाटर हो जाता है और वो हवा में, मतलब पानी में ऊपर आ जाता है। द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय इट्स पार्शियली सबमर्ज पार्ट बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ सबमरीन एंड हेंस इट राइजेस अप। तो वही बात बताया जो हर में आ रहा है, देख ले क्या बोला, कि वेट सबमरीन का आपका डिस्प्लेस वाटर के बराबर हो गया। अगर वेट डिस्प्लेस वाटर के बराबर हो जाता तो तुम लोग बताओ क्या पढ़ाए थे, अगर वेट डिस्प्लेस वाटर के बराबर हो जाता है तो भैया वो पानी में ऐसे करके क्या करता है, सबमर्ज रहता है, पानी में ऐसे करके क्या रहता है, या तुम उसको फ्लोट करने बोल सकते हो। तो यहाँ पे यही चीज है। और लास्ट है फ्लोटेशन ऑफ आइसबर्ग, इसमें तो क्या ही बताया, तुम लोग सबको पता है, बस एक डाटा याद रखना, 0.917 भी याद नहीं रहे तो ये भी चलेगा भैया। आइस का डेंसिटी होता है 0.9 और पानी का होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसके भी आप पानी में आराम से आपका आइस जो होता है वो क्या कर जाता है, तैरता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, बस यहाँ पे यही बात बताया। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखता है, वही वही जो पहले बताए थे तुम लोग को, कि देख अगर यहाँ पे मेरा आवाज आ रहा है सबको, मेरा आवाज आ रहा है सबको,
हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? गजब। ठीक है, हम तुमको यही बात बताए थे कि पानी में जो होता है आपका आइस फ्लोट करता है, उसमें 9/10 पार्ट क्या होता है, पानी के अंदर रहता है, 1/10 पार्ट पानी के क्या रहता है, बाहर रहता है। पानी में 1/10 पार्ट जो होता है वो क्या होता है, बाहर। तो ये एक चीज देख यहाँ पे, जैसे अगर हम तुमको यहाँ पे बताए थे अभी डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो क्वेश्चन आए मतलब निकाले थे इज इक्वल्स टू छोटा वी बाय बड़ा वी। तो भैया आप डेंसिटी ऑफ सॉलिड दैट इज डेंसिटी ऑफ आइस कितना बोले, 0.9 बोले, और पानी का कितना होता है, 1 होता है। तो तुम देख छोटा v बाय बड़ा v, ये पॉइंट बना दिए तो नीचे 0 आ गया। तो देख यहाँ पे अगर इसका मान लेते हैं 10 है, बड़ा v जो आ रहा है 10x आ रहा है, कितना आ रहा है 10x, मान लेते बड़ा v का जो वॉल्यूम आ रहा है वो 10x आ रहा है, और छोटा v का वैल्यू अगर मान लेते हैं 9 आ रहा है x में, ठीक है, वो रेशियो है यहाँ पे, ये हम वैल्यू बता दिए। तो इससे ये तुम लोग समझो कि पानी के अंदर भैया यहाँ पे आप देखो ये 9/10 हिस्सा है, 9/10x, और पानी के ऊपर कितना है, 1/10x है। तो इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग, पानी के ऊपर 1/10 पार्ट तैर रहा है और 9/10 हिस्सा पानी के नीचे है, तो ये कैसे निकाले, वो इस रिलेशन से निकाले। तो इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और आज हम लोग इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो ध्यान से सुन ले, बस खत्म ही हो गया। इसके बाद देख क्या बोलता है, तो वही चीज है, ये सब पढ़ने का और काम नहीं है तुम लोग को। आइसबर्ग्स आर डेंजरस फॉर शिप्स, तो तुमको कारण क्या है भैया, 9/10 हिस्सा पानी के अंदर छुपा हुआ रहता है तो दिखाई नहीं देता है, टाइटैनिक डूब गया, आप क्या चाहते हो तुम लोग। आइसबर्ग्स बीइंग लाइटर देन वाटर फ्लोट्स ऑन वाटर विद देयर मेजर पार्ट इनसाइड वाटर एंड ओनली अ स्मॉल पार्ट आउटसाइड वाटर, तो बोला बहुत कम पार्ट। तो ये क्वेश्चन पूछता नहीं है जनरली, ऐसे हम बता दिए तुम लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सुन, तुम लोग को बहुत जन को पता भी नहीं होगा, ये चीज ध्यान देना। तुमको आज हम बताते हैं कि मैकडी या तुम्हारा पिज्जा हट या डोमिनोज ये सब जो है वो लोग जो बर्फ डालता है, ठीक है, बर्फ डाला जाता है वो पूरा एक कंप्लीट स्कैम होता है, ठीक है। आइस वो जो तुमको ग्लास दिया जाता है तो हम लोग को लगता है उसमें बहुत ज्यादा कोक रहता है, लेकिन वो उसमें बर्फ डाल के देता है जनरली, तुम लोग ध्यान देना। तो अब हम तुमको एक चीज बताएंगे जिससे तुमको क्लियर होगा, क्या सुनना ध्यान से, हमको लगेगा कि अगर वो बर्फ पिघलेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन है। नो चेंज इन लेवल ऑफ वॉटर ऑन मेल्टिंग ए फ्लोटिंग पीस ऑफ आइस, अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसे करके इसमें क्या है भैया ग्लास में ऐसे करके पूरा जूस भरा हुआ है और यहाँ पे हम बर्फ डाले, ठीक है, यहाँ पे क्या किए बर्फ डाले, तो ये बर्फ जब पिघलेगा जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम इसका क्या होगा, पानी बढ़ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ध्यान से सुनना क्यों। बर्फ का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है सुन, जब बर्फ पिघलता है व्हेन अ फ्लोटिंग पीस ऑफ आइस मेल्ट्स इन वाटर, तो क्या होगा वो इट कॉन्ट्रैक्ट्स बाय द वॉल्यूम इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ आइस पीस अबव द वाटर। तो देखो क्या बोला यहाँ पे, ये लाइन को सब बच्चे को याद करना है, समझा देते हैं हम। इट कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आपका जो भैया पानी, ठीक है, जो भी जूस मानो जो भी जूस था वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, वो क्या किया कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इट कॉन्ट्रैक्ट्स बाय द वॉल्यूम इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ आइस पीस अबव द वाटर सरफेस व्हाइल फ्लोटिंग ऑन इट, ठीक है, जितना आपका आइस शीट ऊपर आइस ऊपर था उतना ही पानी। हाँ तो हम तुमको क्या बता रहे थे फिर से सुनना, हम यहाँ पे आप लोग को बता रहे थे कि नो चेंज इन लेवल ऑफ वाटर ऑन मेल्टिंग ए फ्लोटिंग पीस ऑफ आइस, तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर भैया पानी जूस में या कोई भी थम्स अप कोको कोला में अगर बर्फ डाले हैं, अगर वो बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका, नहीं ऐसा नहीं होता है। व्हेन ए फ्लोट, वो तुम लोग पढ़ा है कौवा आया पत्थर डाला पानी ऊपर आ गया, वो पत्थर था, ठीक है, वो पिघलने इनसॉल्युबल है, वहां यहाँ पे आपका ये जो पानी आइस जो है वो क्या करता है, पहले ये चीज समझ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक मिनट, हाँ यहाँ पे हम तुम लोग को बता रहे थे कि व्हेन ए फ्लोटिंग पीस ऑफ आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, जब वो भैया तैरता हुआ आइस पिघलता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स बाय द वॉल्यूम इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ आइस पीस, अब कौन जूस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ आइस, कितना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करेगा भैया, जितना वॉल्यूम पानी के ऊपर था उतना वॉल्यूम वो क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब उसके लिए जगह बनाएगा अब ऑफ द वॉटर सरफेस वाइल फ्लोटिंग इन,
Hence the level of water does not change. ठीक है, तो पानी का लेवल एकदम चेंज नहीं किया. When the ice floating on its melt. तो ये चीज ध्यान रखना. वो भैया जितना आपका वॉल्यूम पानी के ऊपर था उतना क्या हो गया, पानी जो है, जूस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया और जो आइस पिघला वो उसका जगह ले लिया, जिसके कारण से पानी का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, जूस का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वो वैसे का वैसे ही रह जाता है. तो ये चीज ध्यान रखना, ये लाइन को अंडरलाइन कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग याद कर लेना, ये बहुत जरूरी है. ठीक है, ये एक अलग सा गिव रीजनिंग है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है. दूसरा यहाँ पे देखो, ये तो बहुत सिंपल सा चीज है, फ्लोटेशन ऑफ फिश. तो भैया जैसे आपका सबमरीन ऊपर नीचे करता है, तो मछली लोग को भी क्या होता है, स्विम ब्लैडर होता है. जिसको ब्लास्ट आप बुला रहे हो उसमें मछली लोग के पास वही होता है ऑर्गेन जिसको स्विम ब्लैडर बोलते हैं. वो स्विम ब्लैडर जो होता है सेम वैसे ही काम करता है जैसे ब्लास्ट टैंक काम करता है. हवा भर लेता है तो क्या हो जाता है, वो भैया हल्का हो जाता है, ऊपर चला जाता है. पानी भर लेता है, भारी हो जाता है, नीचे चला जाता है. तो पढ़ ले, वही सेम चीज लिखा हुआ है. लिखता है, व्हेन द फिश हैज टू कम डाउन द एम्प्टीज इट्स ब्लैडर टू रिक्वायर्ड एक्सटेंट, सो इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस. वॉल्यूम बढ़ा, डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा भैया, वो डूब जाएगा एंड डेंसिटी इंक्रीजेस. ठीक है, क्योंकि ये चीज ध्यान रखना, तुम लोग बार बार ये चीज का यूज कर रहे हैं हम, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये चीज ध्यान रखना. और ये क्वेश्चन हम सबसे पहले चीज दिन बताए थे तुम लोग को कि गैस बैलून जो होता है क्या हवा में उड़ते उड़ते मार्स तक पहुंच जाता है. नहीं भैया, नहीं, वो एक समय तक जाके क्या हो जाता है, रुक जाता है. और वो समय क्या होगा, जब बैलून का डेंसिटी और आपका इसका डेंसिटी क्या होगा, का डेंसिटी बराबर हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है. हाँ, तो एक बार पढ़ो तुम लोग क्या लिखा हुआ है. हेलो कि दो लाइट गैस होता है हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें हाइड्रोजन का यूज हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर अब तो तुम लोग पढ़ लियो. हाइड्रोजन कैसा गैस होता है बता, एक्सप्लोसिव. यही गलती हुआ, हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव गैस नहीं है. बट व्हेन हाइड्रोजन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर तब वो एक्सप्लोसिव है. तो ये चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन जब एयर के साथ भैया कॉन्टेक्ट में आता है तब वो एक्सप्लोसिव होता है, हाइड्रोजन खुद नहीं फटता है, ये चीज ध्यान रखना. When it comes in contact with air, वो क्या हो जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है. तो हीलियम का यूज करते हैं क्योंकि डेंसिटी उसका कम है. अब यहाँ पे दूसरा बात है, तो भैया हवा में इसलिए उड़ता है क्योंकि उसका डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ एयर. लेकिन द बैलून डज नॉट राइज इनडेफिनेटली. तो ये भी ऐसा नहीं होता रहता है कि वो चलते जाता है. एक एल्टीट्यूड पे आके भैया जब डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बैलून, तब जाके वो क्या हो जाता है, वहां पे रुक जाता है. It keeps on rising as long as the upthrust on it exceeds its weight. When upthrust becomes equal to its weight, it stops rising further. जब उसके वेट के बराबर हो जाता है तब उसके और ऊपर वो नहीं जाता है. तो फिर से वही लाइन लिखा है जो अभी तक हम लोग चार गिव रीजनिंग के क्वेश्चन में देख रखे हैं. सेम, when the upthrust equal to its own weight. ठीक है, तुम लोग देखा ही था, हम हर जगह अंडरलाइन करवाए, तब जाके वो क्या हो जाता है भैया, WFB के बराबर हो गया. तो सीधा सा बात है, वो क्या करेगा फ्लोट करेगा. तो यही चीज बताए, बस यही है. अब आ जाए यहाँ पे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में, टेंशन एकदम नहीं लेना, बहुत इजी न्यूमेरिकल है. जैसे हम तुमको पहले बताए हैं वैसे ये वाला भी है. अब दिक्कत ये आएगा कि तुम लोग बनाया नहीं है पहले, तो अब इसीलिए दिक्कत होगा. चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बताता है. तीन चार चीज एकदम क्लियर रखना, फिर बता रहे, अभी भी नोट कर ले अगर जिसको याद नहीं है, तो तुमको दिक्कत नहीं होगा इस चीज में. क्या क्या नोट करना है चलो देखो. सबसे पहला चीज क्या नोट करवाए थे, FB इक्वल्स टू क्या होता है, छोटा V डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ग्रेविटी. ठीक है, पहला बात ये हो गया. दूसरा आता है W. W क्या चीज के बराबर होता है, V बड़ा V डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू ग्रेविटी. चलिए भैया ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से. अभी हम लोग फिर एक चीज सीखे, अपेरेंट वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, W माइनस FB. ठीक है, फिर आज हम लोग क्या सीखे थे, अपेरेंट वेट जीरो होता है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तो WFB के बराबर हो जाता है. उससे क्या रिलेशन निकाले, छोटा V बाय बड़ा V इज इक्वल्स टू रो एस बाई रो एल. तो ये चीज तुम लोग को बताए थे. तो ये फॉर्मूला था पहला पार्ट और तीसरा पार्ट का, बीच में रिलेटिव डेंसिटी आया था वो अलग है. ये था आपका पहला पार्ट और तीसरा पार्ट का, ये है रिलेशन. तो अब इसका यूज करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं. तो चलो देखो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है. यहाँ पे देख क्या लिखता है, ब्लॉक ऑफ फुट ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर. एक लकड़ी का वॉल्यूम बता दिया 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, फ्लोट्स ऑन वाटर. ध्यान सुनना,
विथ 20 क्यूबिक सेंटीमीटर इन इट्स वॉल्यूम समर। फिगर बना ले, कितना सिंपल बात बोला यहाँ पे भैया, देखो क्या बोलता है यहाँ पे, एक ब्लॉक ऑफ वुड है जिसमें पानी के अंदर 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो पानी के अंदर से मतलब है कि पानी के ऊपर से मतलब है, पहले ये बता। अंदर अंदर, वेरी गुड भैया, हमको पानी के ऊपर से कोई मतलब नहीं है, हमको जो भी मतलब है वो किससे मतलब है कि पानी के अंदर कितना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, पानी के अंदर क्या है हमको उससे मतलब है। तो देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन सुनना, अभी हम एक चेंज कर रहे हैं, हमको जरा बता, अगर हम बोलते हैं कि इस बॉडी का टोटल वॉल्यूम है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर और पानी के ऊपर है 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसका मतलब पानी के नीचे कितना है। फिर से क्वेश्चन, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर बॉडी का वॉल्यूम है, पानी के ऊपर है 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, पानी के नीचे कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। हाँ, तो इतना क्या सोचता है, तो पानी के नीचे 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, हमको पानी के नीचे वाले से काम है, तो बताओ द डेंसिटी, बताओ इसका डेंसिटी। अब देख कितना इजी हो गया, पानी बोला है ना भैया और सेंटीमीटर क्यूब में है, तो कितना इजी है। देखिए भैया, आप हम लोग को बताए फॉर्मूला, छोटा वी बाय बड़ा वी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। छोटा वी का मतलब होता है पानी के अंदर कितना है, तो पानी के अंदर आप बोले 20 है, और पानी के टोटल वॉल्यूम कितना बताए थे, 25 बताए थे, हमको डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालना है, डीएस मान लिए, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड क्या है। अब देखो एक चीज तुम लोग सब बच्चा, जो चीज इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी दो होता है, पानी बोला था, क्या बोला था, वाटर, साफ साफ लिखा हुआ है पानी में, पानी का डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या लोगे, 1000 केजी के 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम। अब यूनिट पे चलते हैं, यूनिट पे चलते हैं, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब, भैया ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ध्यान दे सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब कट गया, जो भी आने वाला है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आने वाला है। तो 20 बाई 25 कितना हो गया, 0.8 हो गया। भैया ये आप कैसे लाए, कटा के लाए, अब कटा कैंसिल करके, अब कैसे कैंसिल कर रहे हैं, एक तो 4/5 आ रहा है, ठीक है, वैसे सोचो 4/5 को हम तुमको बताए थे इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, 8/10 दैट इज 0.8 आ गया, ठीक है। तो 0.8 क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो ये ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी निकाले वो निकाले 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और साफ साफ बात है पानी का एक होता है और ये तैर भी रहा है, ये पानी में फ्लोट भी कर रहा है, तो इसका मतलब इसका पानी से कम आने वाला था डेंसिटी 0.8। इसका मतलब ये हो गया कि 8/10 पानी के अंदर है और 2/10 पानी के ऊपर है। तो देख कितना इजी वे में निकाल लिए। अब रुको, ये जो निकला ये क्या निकला, डेंसिटी ऑफ, मेरा आवाज आ रहा है सबको, वुड, ठीक है, ये जो निकला, ये निकला डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये जो निकला ये क्या निकला, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब हमको बोलता है वेट निकाल के दे, ठीक है, वेट ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड। अब वेट निकालना है लकड़ी का, तो लकड़ी का हमको टोटल वॉल्यूम दे रखा था कितना, बताओ जल्दी से, लकड़ी का टोटल वॉल्यूम हमको दे रखा था 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, और अभी तुम लोग जो निकाला डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना निकाला, 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तुमको वेट निकालना है ना, देखो कितना इजी हो गया, वेट इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, वेट इक्वल्स टू एम इंटू जी। तो देख मास जो है हमको यहाँ पे कैसे निकलेगा, पहले इसी से निकलेगा भैया, आप जानते हो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 25 इंटू 0.8। तो देख पॉइंट उड़ा देते हैं, नीचे एक 10 आ जाएगा, 25 इंटू 8 करेंगे 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा भैया, एक जीरो कट जाएगा तो 20 आ जाएगा, 20 क्या, 20 ग्राम, 20 क्या आ जाएगा, ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे 20 ग्राम आप निकाल लियो ना, आपको वेट निकालना था, तो वेट इक्वल्स टू एम इंटू जी होता है, तो देख यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, ये जो निकला ये मास निकाल लिए, ये 20 जी आया, और जी के जगह क्या लिखेंगे हम लोग बता, एफ, तो क्या आ गया देख 20 जी एफ। तो ये चीज ध्यान रखना, ग्रेविटी के जगह अगर लिखता है यहाँ क्वेश्चन में टेक जी इक्वल्स टू 9.8 या 10 तब लेता, लेकिन अगर नहीं दिया है तो हम लोग सी जी के जगह क्या ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं। तो देख ये ऐसे क्वेश्चंस बनता है और बहुत इजी है, बात मानो एक बार बनाओगे तुम लोग भी बना सकोगे। तो हम तुमको यही चीज बता रहे हैं, ये ध्यान रखना कि पानी के नीचे जो रहता है उस वॉल्यूम से हमको मतलब है, समझ पार्ट से मतलब है, पानी के ऊपर से हमको कोई लेना देना एकदम भी नहीं है। तो ये क्लियर रखना सब बच्चा।
अब इसके बाद देख दूसरा हमें क्या बोलता है, अ ब्लॉक ऑफ आयरन फ्लोट्स ऑन मरकरी, एक आयरन का ब्लॉक जो है पानी में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम व्हिच रिमेंस इमर्ज्ड इन मरकरी, फ्रैक्शन निकालने बोल रहा है ना। देख यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ मरकरी दिया हुआ है। देखिए भैया पहले वाले से भी इजी है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू छोटा वी बाय बड़ा वी। हमको बोल रहा है रेशियो बता, फ्रैक्शन मतलब वही रेशियो ही हो गया एक तरीके से। यहाँ पे देखिए भैया डेंसिटी ऑफ सॉलिड दैट इज आयरन, आयरन का डेंसिटी जो है कहाँ है, यहाँ पे 7.8 दिया हुआ है, ठीक है लीजिए। लिक्विड का डेंसिटी 13.6 दिया हुआ है, दोनों का यूनिट सेम है तो हम लिखेंगे ही नहीं, वो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे कुछ दिया है नहीं, हमको यही बोल रहा था, अब इसको बस सॉल्व कर ले तो यही ना फ्रैक्शन आ रहा है, 7.8 डिवाइडेड बाई 13.6 यही फ्रैक्शन आ रहा है, तो यही पूछ रहा है। देख अब फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विच रिमेन्स इमर्ज्ड इन मरकरी, तो इमर्ज्ड इन मरकरी कितना रहेगा तुम लोग बता, यही फ्रैक्शन आ रहा है जो हम लोग पहले भी किए थे। जैसे 0.8 आ रहा था बाई 10 करते थे, तो 8 बाई 10 पानी के ऊपर है, 2 बाई 10 पानी के नीचे है, तो यही चीज है और कुछ नहीं। अच्छा यहाँ पे और क्वेश्चंस हैं, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देख वही आ गया, बस इसको 7.8 डिवाइडेड बाय 13.6 को डिवाइड कर लिया तो समथिंग 0.574 आ रहा है। तो छोटा वी इज इक्वल्स टू इतना वी बता दिया, क्योंकि पूछ रहा है कि बता पानी के अंदर कितना है, तो छोटा वी वही वही बताता है, तो 0.574 ऑफ टोटल वॉल्यूम, 0.57 ऑफ क्या है टोटल वॉल्यूम, क्योंकि बड़ा वी क्या दिखाता है टोटल वॉल्यूम दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा है, हम 4 बनाते हैं तुम लोग के लिए, ध्यान देना इसमें। A block of wood floats on water. अच्छा रहने दे आज एक बार इतना ही, ठीक है हम लोग आज एक बार इतना ही रहने देते, फिर हम लोग अगले क्लास में बोर्ड लेके बैठेंगे, फिर तुम लोगों को बताएंगे। तुम लोग का काम ये रहना चाहिए।